हकदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार। घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। फसल तो अच्छी हुई, लेकिन कुछ लोगों की फसल भी यार खराब हुई यार। उसमें से मैं भी हूँ। तेरी भी होगी? अरे मेरी प्याज जो बोया था ना, हाँ वो सारे खराब हो गई। ओ यार ये तो बहुत बुरा है यार। मेरा था वो थे थोड़े टमाटर थे ऊंचाई पे थे टिल्ले पे, हाँ। वो बच गए यार। अच्छा हाँ, अरे वाह अच्छा वो कहती है। हाँ, अच्छी फसल हुई है यार। हाँ। सुनिए भाई साहब, आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी इसी गाँव के रहने वाले। मैं भी आपकी तरह गाँव की रहने वाली, स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी स्कूल आकर पढ़ें। ओहो मास्टरनी जी, आप ये बताइए आप हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या पढ़ने लिखने से हमारे खेत की पैदावार ज्यादा हो जाएगी? देखिए भाई साहब, हर बात का जवाब खेती बाड़ी तो नहीं होता। अरे हमें अपने बच्चों का भविष्य भी तो सोचना होगा। देखिए मास्टरनी जी, हम अपने बच्चों का भला बुरा सोच सकते हैं, आप हमारे घरों में क्यों फूट डालने चाहती हैं? भाई साहब चलो मान लो भगवान ना करे कल को आपके घर में कोई बीमार हो जाए और आपको शहर जाना पड़े, तो कम से कम आप शहर जाकर दवाई तो ले सकते हैं, कोई आपको ठगेगा तो नहीं। देखो हमारे गांव में सरकारी अस्पताल भी है और दवाई देने के लिए वैद्य भी है, हम शहर क्यों जाएंगे? हमारे गांव में कोई लूट तक चोरता नहीं है। फिर भी नई चीजों को जानने में क्या बुराई है? क्या आप लोग अपनी जिंदगी से एक घंटा भी नहीं निकाल सकते? ये घंटा तो बहुत होता है, 15 मिनट नहीं निकाल सकते। सुबह उठते हैं, खेतों में पानी डालना होता है, हल चलाना होता है। अगर बिंदु पहलवान का अगर आदमी देख लिया ना किसी ने, हमारा राशन पानी भी बंद कर देगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप तो माफ कर दो हमें। फिर भी आप लोग सोचना, अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी मजबूत होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्कार। अच्छा जी नमस्कार, बैठिए। शकुंतला तू यहाँ? नमस्कार। नमस्कार। अरे इतने दिन से कहाँ थी तू? मैं यही पढ़ाने आई हूँ। पढ़ाने आई है यहाँ? अच्छा 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 बच्चों वाले स्कूल में पढ़ाने आई होगी? नहीं बड़े बूढ़ों को। बड़े बूढ़ों को? क्योंकि आगे से कोई किसी से झूठ ना बोल सके। लगता है पुरानी बातों को भूली नहीं तू, दिल से लगाए घूम रही है। खैर अब उन बातों से कोई फायदा नहीं, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले छोड़ गई थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे पहुँचना भी है। सुन गाड़ी में बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। जहाँ छोड़ा था वो क्या कम है? अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ।
भाइयों, मारे गांव पे एक अनबोला हमला हो गया है। बाहर से कुछ लोग आए हैं और कह रहे हैं अपना सब काम छोड़ के ऐसे बीज बो जिनसे पेड़ तो क्या पेड़ का ठूंठ भी ना उग सके। ये तो गलत बात है। लेकिन पहलवान जी, ये लोग हमारे ही गांव को क्यों निशाना बना रहे? यहाँ तो लोग मौज कर रहे हैं, भाईचारा भी है, खेत भी खूब खनकती फसल दे रहा है। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा असली काम है खेतीबाड़ी करना और पहलवानी करना। अब किताब पढ़ने से जे हमारे बड़द के पैर में इंजन लग जा तो सबसे पहले मैं पढ़ लूंगा। और ये क्या बात हुई कि किताब तो पढ़े हम और इंजन लगे बलद के पैर में? भाई ये तो हमारी इज्जत को ललकारने वाली बात है। हाँ, सही है कि नहीं? और रही बच्चों की बात, तो अब देखो ना चतर सिंह को, उसने अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा दिया। क्या हाल हो गया? क्या हाल हुआ उसका देखा नहीं है? कि अब वो रोटी तो कम खाता है और हाथ ज्यादा धोता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं चतर सिंह अपने बच्चे से हाथ ना धो बेटे भाई। और यही निशाना हम पर साधा जा रहा है। हाँ, मन्ने तो ये सब उलझाने की साजिश लागे। भाई मारा भला करना है तो बिजली मुफ्त कर दो या अखाड़े खुदवा दो, जब तक बात समझ में आवे। तो पहलवान जी, इसकी तोड़ क्या है? इसका तोड़ गजेंद्र बताओगा। अरे क्या बात करो हो दद्दू, आपके रहते हुए मैं कैसे बोल सकूं? बोलना बोल दूं। तो ठीक है, जब आप लोगों ने मुझ पर यह जिम्मेदारी ठोकी दी है तो मैं एक ठोकी ठुकाई सलाह देता हूं। और वो सलाह ये है कि हम लोग एक ऐसा प्रस्ताव पेश करें, हम उनसे कहें कि वो हमारे खेतों में बिना बीज के फसल उगा कर दिखा दें, तो हम उनकी किताब पढ़ लेंगे और उनकी बात मान लेंगे। अरे ठहरो तो सही, तो फिर इसके अलावा एक और सलाह है। बता क्या है? बता ना। और वो सलाह ये है कि जब भी वो गांव में दिखाई दे उसको पत्थर मारो, और पत्थर ना मिले तो गोबर मारो। ये तो नाजायज है। और फिर यहाँ मामला एक खातून का है, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? इस पर तो भैया राजेंद्र ही बोल दे। हाँ तू ही बोल दे, क्या बोलेगा तू इस पर? एक और उसको पिटवाओगे गांव में पत्थर से अगर गोबर से। भाई फजलुद्दीन जी ने कहा तो ठीक ही है, पर फिर भी हमें इसका तोड़ तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी मानो तो इसे समझा बुझा के वापस भेज दो। वैसे भी हमारे गांव में औरतें मर्दों से घूंघट करती हैं, और ये बिना घूंघट के हमें सारी दुनिया के बारे में बताना चाहती है। भाई ये तो अति हो गई। लेकिन उस औरत को समझाएगा कौन? भाई ये सवाल तो मैं बिंदु को पास करता हूँ। भाई ये पासम पासी का चक्कर छोड़ो और ये बताओ कि करना क्या है। चलो चाचा, मान लेते हैं कि तुम्हारी सारी बात ठीक है, पर एक बार भाई उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ये बताने का कि हम लोगों को पढ़ाकर उसे क्या फायदा हो रहा है। अरे मुझे पक्का पता है कि कमीशन बंदी होगी कि जितने घर बर्बाद करोगे उतनी कमाई। दादा ये हमारा अपना ख्याल है, समझ गए ना बात को आप? हो सकता है कि सचमुच में ही इसमें हमारी कोई बढ़ाई हो जाए तो बिंदु क्या नाप शनाप पक रहा है, बुखार हो गया? दादा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, समझ नहीं रहे आप? मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। अरे उसको क्या बोलने का मौका मिलना चाहिए, और हम लोग उसकी क्या सुन ले? वो कोई 3 बैंड का रेडियो है जो उसकी भी सुन ले। देख भाई बिंदु, हमारे घर की औरतें रहती हैं पर्दे वर्दे में, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल को वो हमसे सिर पर मटका उठावे। चाचा बुरा तो नहीं मानोगे? आप बोलते तो बहुत हो, बहुत बोलते हैं आप, और सोचते समझते कुछ नहीं। क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ मैं पर्दे में रहने या न रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बैठ कर ऐसी कोई जुगत लगानी चाहिए, कोई तरीका करना चाहिए ताकि हमारा पर्दा बचा रहे और ये गर्द भी चल जाए। तो ओए ओए, तू इसको गर्दा कह रहा है? ये गर्दा नहीं बिंदु, ये तो गदर है, गदर। हाँ अब मैं तो कहूँ हसन बाबा से कहकर अपने अपने दरवाजे पर मंत्र वाली किले ठुकवा लो, वो घर में ही नहीं घुस सकेगी। और अपने अपने बीवी बच्चों अड़ोसियों पड़ोसियों सबके साथ बीज बंटवा दो। और रही बात जोर जबरदस्ती की, तो ये तो गांव ही पहलवानों का सर। जब तक हम शांत हैं तब तक शांति है, ना तो फिर भली नहीं रहेगी। दिल्ली तक जाऊंगा। दादा आप भी किस तरह की बात करो हैं?
अरे दिल्ली में कौन सा हमारा कोई थानेदार लग रहा है? वहाँ तो दादा और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अरे बिंदु, सारी दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही ना रहते, अच्छे और भले लोग भी रहे, उनका काल नहीं पड़ा। तो भाइयों कह रहा, एक आदमी को मुसीबत आ तो दूसरे को बताए, दूसरा उसकी मदद करे। मैं तो कहता हूँ इस दफे प्रधानी के इलेक्शन में बिंदु को खड़ा करके जिता दो, फिर ये उसने भगा देना। अरे बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? फिर बिल्कुल ठीक है। सारे बैठ के क्या करोगे, घर चल के रोटी ना खाते हैं? चलो बजरंग बले बेटा, चंदू इता पहलवान लोग भी इधर आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी इधर आ जा बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ। शाबाश बेटा, शाबाश। बात न्यू है कि अगले महीने मने तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। कहीं दंगल है क्या चाचा? दंगल नहीं है बेटा, माँ दंगल है, माँ दंगल। माँ दंगल? पर उसके लिए तो अपनी तैयारी नहीं है पूरी। गुरुजी, उस दंगल के वास्ते जितनी तैयारी कर रखी है बहुत है। मगर करना क्या गुरुजी? अगले महीने यहाँ पंचायत के चुनाव हैं। ढोल बजवाना होगा गुरुजी। अबे चुप कर, तन्ने ढोल क्या सीख लिया, तू ढोली हो गया, ढोली के अलावा तन्ने कोई काम ही ना है। गलती हो गई गुरुजी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, हमारा बिंदु पहलवान अगले महीने ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा हो रहा है, ठीक है? तो देखो, तुमने पूरी कोशिश करनी है और चुनावी मौसम बनाना है और बिंदु पहलवान ने जिताना है। करेंगे करेंगे। बड़े चाचा फिकर मत करो, हम धुआं उठा देंगे। अरे धुआं हुआ कुछ ना उठाना है, बस झलक देनी है अपनी झलक। ये तो छोटी सी बात है गुरुजी, जब कहोगे डंका बजा देंगे। जाओ साथियों। शाबाश बेटा शाबाश, मैंने तुम लोगों से यही उम्मीद है। बोल बजरंग बली की। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट इधर आओ, यहां कर बैठो। तुम लोग इसी गांव की रहने वाली हो? हाँ हाँ, पर आप कौन? मैं टीचर हूँ, यहाँ पर बड़े उम्र के लोगों को पढ़ाई के बारे में बताने आई हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? नहीं नहीं, पिताजी गुस्सा करेंगे। क्यों? पता नहीं। अरे वाह, ये पता है कि गुस्सा करेंगे, पर अगर ये नहीं पता कि क्यों करेंगे। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनके घर वालों को पढ़ाई की बात समझाए। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी पढ़ाई वाली। तो क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो लोग तो यही समझेंगे ना कि ऐसी ही कोई बात होगी। ओहो, कि तुम भी ऐसे ही सोचती हो? कैसा? कि पढ़ने वाले ठीक नहीं होते? नहीं, लेकिन जब सब लोग कहते हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। लेकिन कानों से सुनी बातों पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या सब रेडियो पर भरोसा नहीं करते? ओहो, तुम तो बहुत समझदार हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? पता नहीं, पर मैं तो पढ़ती हूँ। वेरी गुड, कौन सी क्लास में हो? आठवीं। तो तुम अपनी सहेली को क्यों नहीं समझाती हो? उसे सब पता है, मगर उसके घर वाले पढ़ाई को फिजूल की चीज समझते हैं। क्या वो भी पढ़े हुए नहीं है? जी नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, मैं उनसे ही शुरुआत करूँगी। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ मत जाना, पर ना आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि आप लोग चुनावी जासूस हो ना। अरे सुनो तो, सुनो। आप टीचर जी है ना? हाँ मैं टीचर हूँ। भाई साहब आप पढ़ना जानते हैं क्या?
सही कहते हैं, शहर की औरतों से एक सवाल करो तो दो जवाब देती है। वैसे मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मगर अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को पढ़ा देता हूँ। अच्छा, जैसे? आइए बैठ कर बताता हूँ। जैसे हमारे गांव की तीन अनाज मंडियों के भाव मैं जवानी याद रखता हूँ। आपको कोई हिसाब किताब में परेशानी नहीं होती? अरे हिसाब में क्या है, हम लोग तो खेत देख कर फसल के भाव बता देते हैं। फिर भी कोई तो परेशानी होती होगी पैसे के लेन देन में या गिनने में। पैसे तो हमारे गांव का गड़ा हुआ मुर्दा भी गिनकर बता देगा कि कितने हैं। कैसे? कैसे क्या, पहचान होती है, रोज रोज आदमी अपनी परछाई देखे तो पहचान लेता है। फिर भी? देखो मैडम, आप मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश ना करें, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए ना। आपके पास ज्ञान है? थोड़ा बहुत। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो पूछो। दो माँ बेटी चली खेत में, तीन नींबू पाए और साबुत साबुत खा। तीन नींबू, दो माँ बेटी, दो माँ बेटी ने साबुत साबुत खाए, यही ना? हाँ यही। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो चार हुई। हार गई ना, मैं बताऊँ? हाँ बताओ। एक माँ, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी की बेटी, दो ही माँ दो बेटी, रिश्ते चार औरतें तीन। हार मान ली ना? जी भाई साहब, मैंने तो सच में हार मान ली। देखिए हमने हरा दिया। वैसे मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ, मगर आपकी ठुनक तोड़ना थी। अब आप ये बेकार के टोटके ना बिखेरे और वापस चली जाएं। अरे सुनिए तो भाई साहब, कमाल के आदमी है। बिंदू, काल के बावड़ा हो गया था कि कौर बिच्छू डस गया था, सारी बातें पढ़ाई वालों के पक्ष में बोल दिया। पर दादा मैंने गलत क्या बोल लिया था? अरे नाजे, गलत तो तू बोलिया को नहीं, तू तो अनर्थ बोलिया, अनर्थ। वो तो कहो के सारे आदमी अपनी दाब के थे, ना तो फूट पड़ जाती। और देख रे, वो दिखा घड़ी वाला हाथ, दिखा रे, दिखा दिखा सुन, ये देख काम कर धाम का, घड़ी देखना नहीं आता, घड़ी बांध के घूम खोपड़ी फोड़ दे। अरे दद्दू, अखाड़ा तो इसने छोड़ दिया, शादी ये ना करता है, तबेले में ये ना आता है, सारा दिन बाहर खेतों में अकेला बैठा रहता है, है? अरे पता नहीं इसकी खोपड़ी में तो कौन सा जाला लग गया। अरे कोई बात नहीं, जवान खून है, अरे तभी तो बगावत की बातें करता है, और यही बातें इसे प्रधान बना देंगी, प्रधान। अरे बावलो, इसी से पता चलता है कि बिंदु घर का पक्ष लेता ही नहीं, और यही प्लस पॉइंट है। वाह वाह, मान गए प्रधान जी, कहां दिमाग लगाया आपने, वाह। इसीलिए तो यहाँ रुका हूँ, वरना वहां मेरे घर में टेलीफोन लगना है। पता नहीं अब तक क्या क्या खोद दिया होगा उन लोगों ने। ए राजवीर, जब बिंदु प्रधान बन गया तो हमें भी टेलीफोन लगवाना पड़ेगा। अरे तो इसमें कौन सी भैंस भिदकती है, अरे टेलीफोन लगाने से तो घर की इज्जत बढ़ती है। अरे दद्दू, टेलीफोन से तो बाद में निपट लेंगे, पहले तो ये इंतजाम करो कि ये चुनाव में ठीक ठाक बोल रहा है। मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूँ, अब तुम्हें समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूँ। अगर ये ठीक है तो तेरी तो जमानत जब्त हो जाएगी, मेरी मानो तो। खैर मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे जुल्मी हथकंडे हैं कि चारों तरफ हमारी जय जयकार होती रहेगी। है तो दो चार ऐसे हथकंडे हैं, बिंदु को भी बता देना। अरे क्यों नहीं, जैसे बिंदु कहेगा कि मैं प्रधान बनते ही गांव की सड़क बनवा दूंगा। अरे प्रधान जी, सड़क तो पहले सही है, अब क्या उसमें पहिए लागेंगे? अरे सड़क तो है लेकिन ठीक नहीं है ना। पर सड़क तो ठीक है। अरे ऐसा कहते हैं, फिर कहेंगे कि गांव में जच्चा बच्चा केंद्र खुलवा देंगे। ना बिंदु ये भी ना कह सके, उसके भी शादी गांव ही है। अरे ऐसा कहते हैं, ये समाज सेवा है, समाज सेवा। वैसे एक सलाह मैं भी दूं? हाँ हाँ दे दे। बिंदु से कहलवा दो के घर घर में अखाड़े खुदवा देंगे। अरे खुदम खादी रहने दे, जैसे प्रधान जी कह रहे हैं वैसे हथकंडे कर लो। हाँ। बता दो जी। भाई जैसा मैंने कहा है आप लोग वैसे ही करो। क्यों बिंदु, हो गई तुम्हारी बातचीत खत्म? अब जरा मेरी भी एक बात मान लो, तुम में से कोई चुनाव लड़ लो, मैं ना लड़ता चुनाव ना हो, जाओ। कर दिया ना नास, ये सोचे यू। दरअसल भाई साहब बात यूं है कि कई दिन से मैं, अब क्या बताऊं, आपने बताया तू कब चल रही है, तो मैं तो किसी से झूठ बोल नहीं सकता,
हर किसी से बोल दूंगा कुछ उल्टा सीधा तो डंडा बाज जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। अरे बिंदु, डंडे की चिंता तो तू मत करे, रजिंदर भैया ने अपने सारे पहलवान तैयार कर रखे हैं। गजेंद्र, अरे भूल गया तू, आज भी इस गांव के अंदर नहीं आसपास के 40 कोस के गांव में मेरे से बढ़िया दाव लगाने वाला कोई नहीं है। तू इसकी चिंता मत कर, कल ही बजरंग बली का नाम लेके बिंदु के नाम का डंका पूरे गांव में बजवा दो। बोल बजरंग बली की जय। और चाचा ठीक हो? अल्लाह तुझे सलामत रखे। तेरी फतह का झंडा ऐसा लहराए कि देखकर खेत की फसल भी शर्माए। अब जीत तो जाऊंगा ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल, तू जीतेगा बिल्कुल। चलो दादा। चल चल शाबाश। सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मालूम है सबने? तो बोलो ना, मालूम है सबने? हाँ। और सालों से मेरे दादा की दुकान चल रही तुम्हारे गांव में, चल रही? उधार खा खा के डकार गए तुम, डकार गए ना? पैसा मांगने कोई आया? वो अलग बात है, अलग में हाथ देके खींच लिया पैसा, तो अलग बात है, मांगने कोई नहीं आया होगा। भाई लोगों, मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये सब अफंड की बातें हैं, पर यू चौधरी सतवीर है ना, इसने ऐसा अफंड रचा रखा गांव में, सारे तो पैसे खा गया और लोगों को पढ़ावता घूमे हैं। उसकी छोरी आ रही गांव में कि पढ़ाओ। रे बावड़ी पढ़ाओ क्या, छोटे छोटे बच्चे के चश्मे लग जाएंगे। अरे दिमाग में कुछ डालने से बढ़िया पेट में डालना होता है, बोलो बोलो। दिमाग में डालना चाहिए, पेट में डालना चाहिए? सीधी बात है, पेट में घेरोगे तो भाई पेट भरेगा, दिमाग में घेरोगे पेट थोड़ी भरेगा। तो यू तो नाश कर देगी तुम्हारे घरों का। और यूं और कह रहे हैं, यूं बताना नहीं किसी से, यूं और कह रहे हैं कि थारी घर की औरतों ने भी बढ़ावांगे। क्या ये दिन देखना था हमारे गाँव ने? तो ये सारी चीजें रोकने के वास्ते बस यू ही समस्या लगे। तो नाले तुम्हारे लग रहे, सड़क तुम्हारी बन रही, पानी तुम्हारे घर में आ रहा, गाड़ी पे मोहर लगा देना। क्या तुम चुनाव लड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे शाम को नदी किनारे आकर मिलो,
ये मास्टरी कान में के ये कह रही थी कि सफल हो कामना है इसके तो सफल मैं भी मन्ने सुकुनी लागे लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या तुम सबकी मुश्किलें सुलझा पाओगे मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो लेकिन ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें पढ़ाई लिखना बहुत जरूरी है यही कहने मैं यहाँ आई थी देख शकुंतला तेरी सारी बात सर माथे पर और मैं तुझे वादा देता हूँ ये सब मानने की कोशिश करूंगा पर आज के बाद तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आएगी कभी भी समझ गई ना तू है शादीशुदा तुम्हें बुरा लगा मैं साफ दिल हूँ तू साफ दिल है मानता हूँ पर तेरा मर्द वो तो शक कर सकता है ना ऐसा नहीं हो सकता क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि शादी के एक साल बाद ही उनका देहांत हो गया ताल ठोक के पूछ बैठ के अक्कड़ पाकड़ ऐठा गदा बांध के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा लठा लठे तियारी है पर कहीं तो कुछ है खट्टा विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका मंजिल पे जा अटका मंजिल पे जा अटका वफादार नहीं मसल वो मछली अक्षर में है सार अक्षर में है सार दाव पेचुआर उठा पटक भी शिक्षा से लाचार शिक्षा से लाचार शिक्षा से लाचार रे भैया ये है घर परिवार रे बबुआ ये है घर परिवार